हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है करंट फीलिंग्स। पता लगाएंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और चार्म्स भी देखेंगे। आज काफ़ी टाइम से मैंने चार्म्स रीडिंग नहीं की है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले बता दूं हमेशा की तरह कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक आप पहुँचे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स, आप करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। लो, पहला ही कार्ड लवर्स का है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है पहला ही, नंबर 6 जेमिनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वॉन्ड्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एरीज लियो सेजिटेरियस भी है हमारे पास, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। एम्परर एरीज, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ से। कार्ड्स आ गए गाइस। यहाँ पे एरीज और जेमिनी और टॉरस, ये तीन साइन बहुत स्ट्रांग आए हैं, बाकी तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और इसके बाद टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मुझको यहाँ पर फायर से सिर्फ एरीज दिख रहा है और वाटर साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज क्या है करंट फीलिंग्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में और अब ये चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इसको लगता है इसने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं या तो वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं या फिर सही टाइम नहीं है, दैट इज़ वाई ये पर्सन अब और इस कनेक्शन पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरेंडर कर रहे हैं इस कनेक्शन को, सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, देखो इस टाइम ना ये बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसको लगता है कि चीज़ें सिर्फ सोचने से नहीं होगी, ठीक है, बहुत मेहनत भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तो ये अभी सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये रश करेंगे उतना ज़्यादा ये कनेक्शन दूर जाएगा इससे, ठीक है। ऐसा भी कुछ कुछ थिंकिंग है आपके पार्टनर को। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ये पर्सन थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस लाने के लिए थोड़ा सा सोचना, क्या सोचना है, क्या एक्शन लेना है, इसमें थोड़े चेंजेस लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो ट्रू लव है तो कहीं नहीं जाएगा, पहली बात तो ये है, लेकिन हाँ ये पर्सन अब चाहते हैं कि जो भी चेंजेस आने हैं वो जल्दी आ जाएं। जल्दबाजी तो अभी भी है, अभी भी मुझे इम्पेशेंट दिख रहे हैं। वैसे कनेक्शन लवर्स का है और ये पर्सन ना सॉरी भी फील कर रहे हैं जल्दबाजी के लिए या फिर जो भी इसने पास्ट में कहा है आपको, लेकिन अभी ये कोई एक्शन लेना चाहते नहीं है, ये चाहते हैं सरेंडर कर दें। कनेक्शन वर्थी है ये, ठीक है, आप इस पर्सन का वेट भी कर सकते हो, लेकिन हालात थोड़े से टफ दिख रहे हैं। अब जो जो आएगा मैं वही बताऊंगी आपको यहाँ पर, और ना ये थोड़ा सा मुझे दिख भी रहे हैं, थोड़ा उदास हैं ये पर्सन, ठीक है। इसको थोड़ी मजबूरियाँ हैं या तो, या एक्शन नहीं हो पा रहा है, पर ये लवर्स का कनेक्शन है और इस कनेक्शन में ना
चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता लग गई है अब ये बात। पता है ऐसा सोचने के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को ना केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही है, अट्रैक्शन नहीं दिख रहा इस टाइम। इसको लग रहा है कि कनेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों आगे बढ़ाना, इसको सरेंडर कर देते हैं। जब रिकंसिलिएशन होना होगा अपने आप हो जाएगा, सरेंडर कर दिया है गाइस इस पर्सन ने, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब एक बात बोलूं, अगर कोई इंसान कुछ सोच कर सरेंडर कर रहा है, ये सोच कर कि आगे चलकर सब कुछ अच्छा होगा, आगे चलकर रिकंसिलिएशन हो जाएगा, तो इसका मतलब है केमिस्ट्री तो है यहाँ पर, अट्रैक्शन तो है, तभी तो इंसान पॉजिटिव कुछ एफर्मेशन बोलकर सरेंडर कर रहा है ना। तो ये ना सिचुएशन और टाइम का है सारा खेल, जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो। जैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आपके जो चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये सारा डिसेप्शन हट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों को पता चलेगा। अभी आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, सरेंडर कर दिया है आपके पार्टनर ने, थोड़े टाइम तक ये सिचुएशन चलेगी। इसको हम टावर कार्ड कह सकते हैं, टावर मोमेंट आ चुका है इस कनेक्शन में, लेकिन केमिस्ट्री अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। आप सब लोग जानते हो अपने कनेक्शन की सच्चाई, क्या क्या आप गो थ्रू कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हुए हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है, जो आप पाना चाहते हो उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ तो ट्रू लव की बात हो रही है, तो कैसे इतनी आसानी से डिवाइन आपको दे देंगे, आपको परखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्या डिज़र्व करते हो इतना सच्चा प्यार, और सिर्फ आप ही को नहीं आपके पार्टनर को भी। इतना आसान नहीं है ना, एक अच्छी जॉब मिलना भी जैसे आसान नहीं है, तो यहाँ तो ये तो ट्रू लव आप मांग रहे हो। तो परीक्षाएं तो होंगी और आप काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं इस टाइम, और करने दो इनको सरेंडर, क्योंकि और आप इनको चेज मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ये और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। वरना देखो, सरेंडर करने से हो सकता है ये अलग तरीके से सोच पाएं, ठीक है, और एक सही डिसीजन ले पाएं। तो इनको सरेंडर करना है, करने दो, केमिस्ट्री है यहाँ पर, और ये यही सोच के सरेंडर कर रहे हैं कि आगे चलकर रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है, तो करने दो सरेंडर। वेट अ सेकंड, गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं इस कनेक्शन में, आप दोनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी आपको ना दोनों को एक ही डायरेक्शन में सोचना चाहिए। अगर कुछ टाइम के लिए आप कनेक्शन को भूल भी जाओगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने वर्क पर ही ज़्यादा फोकस रखिए इस टाइम। और आपके पार्टनर ने बिल्कुल यही डिसाइड करा है, वो अपने मनी, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ये सोच भी काफ़ी कुछ रहे हैं, क्या ये सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं, कितना सही है इनका एक्शन, कितना गलत है, इस तरीके से भी काफ़ी सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो एट दी एंड सब अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसे यूनिवर्स करवा रहे हैं जो भी हो रहा है लाइफ में, चलो फ्लो के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, फ्लो के साथ आगे बढ़िए। ये वाला भी मैसेज ले लेते हैं, तो यहाँ से कुछ चार्म्स आए हैं और कुछ मैसेजेस हैं, पहले मैसेजेस पढ़ लेते हैं। आई विल मैरी यू, ओके, हेरोफेंट का तो कार्ड है वैसे, मैरिज का तो कार्ड आया है। यू आर माई सनशाइन, आई बिजी इन माई वर्क, देखो बता दिया इसने, बिजी है अपने काम में। आई मिस यू, यस, एंड आई बिलीव दैट We will meet again. इसको बिल्कुल बिलीव है कि आप दोबारा से मिलेंगे। यहाँ पे zodiac sign cancer आया है, वैसे water element यहाँ था नहीं, but आ गया। आप stop तो करते हैं आपको, yes guys, clear दिख रहा है person अपने work में busy हैं। ये दोनों sign बता रहे हैं कि आपके partner work में busy हैं।
सोचते तो बहुत हैं आपको कांटेक्ट करें, मैसेज कर दें, बट कर नहीं पा रहे हैं। वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये अपने स्टेटस पे कुछ म्यूज़िक अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप हिंट ले लेना, वो आप ही के लिए होगा, ठीक है? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं टच में रहने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करेंगे जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ मेरे पार्टनर ये चीज़ें मेरे लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका स्टेटस वगैरह आप चेक करते रहना अगर ये डालें, ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पर। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।